तो स्वागत है दोस्तों को नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले भाई न्यू स्टेट के नवंबर के अपडेट के बारे में। और भाई काफी टाइम बाद वीडियो आ रहा है तो उसके लिए हम सॉरी भाई, अपने वीडियो कुछ इसी तरह से आते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि भाई न्यू स्टेट के अंदर हमें नवंबर के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। ऑलरेडी डेव लेटर तो आप लोगों ने पढ़ी ली होंगे और वीडियो वगैरह भी देख ली होगी, लेकिन आज की वीडियो में कुछ अलग चीज मैं बताने वाला हूँ न्यू स्टेट के रिगार्डिंगली आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो अगर मैं तुम्हें पहले डेव लेटर के बारे में बताऊं तो पहले डेव लेटर में इन्होंने भाई सिंपल सी बात में बोल दिया है कि भाई हमें परेशान ना करो अभी कि भाई पीसी के मैप इसमें लेके आओ, अभी फिलहाल के लिए जो है हमें गेम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जब गेम भाई ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कुछ नए प्लेयर्स भी इसके अंदर खेलने के लिए आएंगे, उसके बाद जो है हम इस पे काम करेंगे। और पीसी के मैप लेके आना में इतना ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क बहुत लगता है। पहले डेव लेटर में तो उन्होंने भाई साफ बोल दिया कि अभी परेशान ना करो, अभी हमें भाई गेम ऑप्टिमाइज करने दो। दूसरे डेव लेटर की बात कर लेते हैं तो दूसरे डेव लेटर के अंदर हमें भाई काफी अच्छी चीजें भी देखने को मिली। दूसरे डेव लेटर के अंदर एक तो तुम्हें देखने को मिला नया मैप, और वो किस तरह का मैप है, क्या मोड उसके अंदर आने वाला है और क्या क्या हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बहुत ही जल्दी जो है चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला है, तो भाई उसका वेट करना। लेकिन उस डेव लेटर के अंदर इन्होंने एक चीज तो बता दी है, तो गेम के अंदर आप अगर मोड वगैरह नहीं लेके आओगे तो भाई लोग इतना इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिखाते हैं। और अपनी अगर इंडियन ऑडियंस की बात बोलो तो भाई बिना कुछ नई चीजों के तो यहाँ कुछ चलता नहीं है। तो भाई गेम के अंदर अब मोड आने वाला है, जो कि अगला जो मोड आने वाला है इस नवंबर वाले अपडेट में, कुछ ही दिनों बाद जो है नवंबर वाला अपडेट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर आने वाला है एक नाइट मोड। अभी जहां तक मुझे लगता है कि ये वाला जो नाइट मोड है ये अभी अकिंता के अंदर ही रहने वाला है, और मैप के अंदर इन्होंने इस चीज को अभी अप्लाई नहीं किया है। उसका रीजन हो सकता है कि लोग जो है अकिंता ज्यादा खेलते हैं, और जब भी आप कभी भी रैंडमली मैच मेकिंग भी करोगे तो लोग आपको अकिंता के अंदर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इरेंगल भी इतना नहीं चल रहा है। और उसके बाद अगर बात करो ट्रॉय की भी, लेकिन अकिंता छोटा मैप है और जो लोग रैंक पुश करते हैं वो भी यार अकिंता वगैरह ही खेलते हैं। तो भाई मुझे लग रहा है ये वाला जो मोड है ये अकिंता के अंदर ही आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर ये नाइट मोड आएगा तो भाई इसके लिए क्या गैजेट होंगे जो हमें हेल्प करेंगे नाइट में जो है देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करें, अगर पबजी मोबाइल की बात करें तो पबजी मोबाइल के अंदर आपको एक गॉगल्स मिलते थे, और अगर मैं इसकी बात करूं तो मे भी शायद हो सकता है कि एक वॉच टाइप की कोई गैजेट वगैरह भी आपको देखने को मिले। लेकिन अगर एक दूसरे सिनेरियो की बात करें तो ये जो नाइट मोड है ये मे भी शायद रहेगा और उसके बाद फिर चला जाएगा, जैसे भाई वेदर बदलते हैं, जैसे भाई मौसम बदलता है ये भी मोड उसी तरह से रहने वाला है। ये भी भाई मौसम की तरह तुम बदल जाओगे वाला मोड रहने वाला है, कि कभी ये नाइट में शिफ्ट हो जाएगा, कभी ये डे में शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखना पड़ेगा अगर ये अकिंता के अंदर आ रहा है तो भाई कितना टाइम ये नाइट में रहेगा और कितना टाइम ये डे में रहेगा। और मे भी शायद अगर ऐसा नहीं रहा तो कोई ना कोई एक इक्विपमेंट तुम्हें देखने को मिल सकता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है ये डे या नाइट वाला ही रहेगा, तो भाई देखते हैं जब ये मैप आएगा। और इस मैप की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर तुम्हें एक नई गन भी देखने को मिलेगी जो पीसी वाली गन है। तो भाई ठीक है, धीरे धीरे करके कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और ऑब्वियसली बात है कि न्यू स्टेट ने काफ़ी टाइम बाद लोगों की सुनी है कि हम भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और नवंबर अपडेट के अंदर ये चीज़ आने वाली है, तो भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसकी देखते हैं हम लाइव स्ट्रीम वगैरह भी ज़रूर करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं सीज़न पास की। तो पहले वाले जो सीज़न पास आते थे वो भाई नॉर्मल से आते थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जो सीज़न पास के अंदर तुम्हें रिवॉर्ड वगैरह भी देखने को मिलेंगे, और सीज़न पास अगर तुम कोई खरीदते हो तो वो भाई तुम्हारे पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इस वाले सीजन पास के अंदर उम्मीद है कि बहुत अच्छी चीजें तुम्हें देखने को मिले। अभी तक जितने सीजन पास आए हैं उनसे काफी अच्छी चीजें इस सीजन पास के अंदर तुम्हें देखने को मिले। जैसे ही सीजन पास आता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। तो देखो, जैसे न्यू स्टेट का भी फिलहाल के लिए फोकस है कि गेम को भाई ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में और छोटे डिवाइसों के चक्कर में भाई गेम की फिलहाल के लिए हालत अभी खराब हो गई है, क्योंकि जितना गेम पहले रियलिस्टिक था उससे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। लेकिन अब ये फिर से इसको वापस से जो है ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और उसके बाद जो पहले की सारी चीज़ें वो वापस लेके आएंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन गेम तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फ्रेम ड्रॉप का थोड़ा बहुत इशू रहता है, क्रैश प्रॉब्लम का थोड़ा इशू रहता है। तो न्यू स्टेट का भी पूरा फोकस भाई ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। जब तक ऑप्टिमाइजेशन का नहीं होता तब तक तुम्हें जो है गेम के अंदर और चीज़ें और ग्राफिक वगैरह ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं भी उम्मीद है कि एक या दो महीने तक ये जो है अपना ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा एक पीसी लेवल का न्यू स्टेट मोबाइल। तो बात कर लेते हैं एक्सूट वगैरह की। तो भाई इस वाले जो ये अपडेट आने वाला है नवंबर का, इसके अंदर एक एक्सूट वगैरह आने वाला है, वो जो फाइलों में तुम्हें पता चल जाएगा डाटा माइनिंग में। तो अपने जो भाई एनसी वगैरह हैं और जो अपने चिकन मेडल है उनको भाई इकट्ठा करके रखो। ये जो अब वाला जो एक्सूट आने वाला है वो भाई नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है, और मे बी मुझे उम्मीद है कि अगर वो एक्सूट अगर आता है इस वाले अपडेट के अंदर तो मे बी
80-90% लोग ऐसे रहेंगे जो उसको लेना चाहेंगे भाई किसी भी कीमत में, और हम तो भाई तैयार बैठे हैं उसको लेने के लिए। तो भाई देखते हैं कौन सा एक्सूट आता है, और जैसे ही एक्सूट आएगा तो भाई मजा आ जाएगा। तो भाई जो भी एक्सूट आने वाला है, अब एक एक्सूट आने वाला है इस क्रेट में, तो उसके लिए भाई एनसी वगैरह बचा के रखना। फिर बाद में मत बोलना कि डेल्टा भाई आपने पहले नहीं बताया कि एक एक्सूट आने वाला है वो भी जबरदस्त वाला। तो बात कर लेते हैं एनसी प्राइस की। तो काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यू स्टेट में जो एनसी वगैरह है वो काफी ज्यादा महंगे हैं, तो इस चीज के ऊपर काफी टाइम पहले से भी बात चल रही है और अभी भी चल रही है कि एनसी प्राइजेस में थोड़ा बहुत शायद तुम्हें कमी देखने को मिल जाए। अभी मैं इस चीज को कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर मेरा गला आगे पकड़ लेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उम्मीद है थोड़े एनसी प्राइस वगैरह कम हो, जिसकी वजह से जो है ज्यादा लोग जो है एनसी वगैरह जो है गेम के अंदर वो खरीद सके। तो बात कर लेते हैं इवेंट्स वगैरह की। जैसे जैसे भाई गेम ग्रो हो रहा है, गेम के अंदर बहुत सारे अपडेट वगैरह आ रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि जिन लोगों के पास भी पुराने एक्सूट हैं, जिन लोगों के पास भी जो भाई गन्स वगैरह है जो अपग्रेड होनी है, क्योंकि भाई इसके SR LMG के टोकन मिलना, उसके बाद आपके AR के टोकन मिलना, उसके बाद आपका जो आउटफिट के टोकन है वो मिलना भाई काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट आने वाले हैं जिसके अंदर तुम्हें ये चीजें देखने को मिलेंगी और तुम इजिली जो है अपने एक्सूट वगैरह जो है उनको अपग्रेड कर सकते हो। एक्सूट के लेवल की बात करें तो वो धीरे धीरे भाई लेवल अपग्रेड होते रहेंगे, जैसे 4 से 5 से 6, तो वही काफी अच्छे अच्छे लेवल तक जितने भी एक्सूट है न्यू स्टेट के वो पहुंच जाने वाले हैं। और आने वाले टाइम में न्यू स्टेट के अंदर भाई तुम्हें ऐसे ऐसे एक्सूट देखने को मिलेंगे जो भाई तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, और तुम्हें जो पबजी मोबाइल और BGMI का एक्सूट है ना, तो वो भी भाई फीके लगने लगेंगे, क्योंकि ग्राफिक के मामले में बात करूं तो गेम के अंदर एक्सूट ऐसे लगते हैं जैसे भाई रियलिटी है, एकदम PC वाले एक्सूट तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो भाई अभी देखते हैं क्या चीज इसके अंदर और आने वाली है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर अभी काफी ज्यादा स्लो चल रहा है ई-स्पोर्ट्स का हो गया, बाली गेम का हो गया सिनारियो, तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि अभी एक टूर्नामेंट आना था, वो टूर्नामेंट अभी नहीं आया है, उसके लिए बात चल रही है कि भाई कैसे वो चीजें करनी है, तो उसके बारे में तुम्हें बहुत ही जल्दी बताने वाला हूं आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप से तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और नए मैप की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसके लिए वेट करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।